हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सिंपल सी एकदम टेस्टी सी पालक मटर की दाल, जिसे बनाना बहुत आसान है। ये आपके घर में भी बनती होगी, आपने इसे बहुत बार बनाया होगा और खाया भी होगा। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, जो बहुत टेस्टी बनती है और खाने में चार चांद लगा देती है। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं सिंपल सी और टेस्टी सी दाल। उसके लिए सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे। अब उसमें मैंने आधा कप तूर की दाल ले ली है, धोकर के अच्छे से उसे हम कुकर में डाल देंगे। अब हम लेंगे आधा कप चने की दाल, जिसे मैंने अच्छे से धोकर के ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक कप बारीक कटा हुआ पालक। अब इसमें हम लेंगे आधा कप हरे मटर, ये देखिए ये वाले। अब हम इसमें लेंगे दो छोटे टमाटर, जिसे मैंने मोटे मोटे पीस में कट करके रख दिया है। अब हम लेंगे इसमें चार से पांच लहसुन की कलियां। अब इसमें हम लेंगे दो हरी मिर्च, जिसे मैंने मोटे पीस में कट कर लिया है, और एक प्याज छोटे साइज का, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सिंपल से मसाले, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम लेंगे दो चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम लेंगे एक चौथाई चम्मच हींग, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम इसमें लेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल। अब मैंने इसमें दो कप पानी लिया है, पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मोटी दाल खाना पसंद करते हैं तो पानी कम डालिए, अगर पतली दाल खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालिए। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके इसे मीडियम फ्लेम पे चार से पाँच सीटी आने तक पका लेंगे। ये देखिए, जब दाल अच्छे से ठंडे हो जाए तब हम ढक्कन खोल देंगे उसका, और दाल देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितने अच्छे से कुक हुई है। अब इसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ये देखिए। अब इसे और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में दो चम्मच ऑयल लिया है, और 8 से 10 बारीक कटे हुए लहसुन की कलियाँ, और आधा चम्मच जीरा लिया है। ये देखिए, जब लहसुन थोड़ा लाल हो जाए तब इसमें हम 3 लाल मिर्च डाल देंगे सूखे हुए। अब हम जब इसे दाल में डालेंगे तब इस पर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ताकि वो जले नहीं। देखिए, अब इस तड़के को हम दाल पर डाल देंगे। इस तरीके से दाल बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है, खाने में बहुत स्वाद आता है इसका। जब आपका मन ना करे कुछ ज़्यादा सब्जी विब्जी बनाने का, तो आप इस तरीके से दाल बनाइए, आपको सब्जी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से हरे धनिया के पत्ते कटे हुए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।